तो जहाँ पे पब्लिक एक तरफ कंफ्यूज थी कि पहले बारबी देखें या पहले ओपन आयरन देखें, खुद सलमान भाई कंफ्यूज है कि पहले कौन सी मूवी देखें, तो बाकी सारे लोगों की तरह मैंने भी ओपन आयरन देखने का डिसीजन लिया। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए ओपन आयरन के लिए। और इसकी सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन का जो हकदार है वो इस मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन साहब, जिन्होंने पहले बैटमैन ट्रायलॉजी, फिर इंसेप्शन, फिर इंटरस्टेलर, फिर डुनक्रेक और फिर टीनेट जैसी मूवी देखे हमारे दिलों में घर कर लिया। और हो ना हो आज भी तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा फेवरेट विलन जोकर ही है, मानते हो ना इस बात को। तो हर बार की तरह इस बार भी नोलन भैया हमारे लिए एक और मास्टरपीस लेकर आए हैं जिसका नाम है ओपनहाइमर, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें कहानी दिखाई गई रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जिन्होंने एटम बॉम्ब को बनाया। और चिलन मॉर्फी ने रॉबर्ट ओपनहाइमर के कैरेक्टर को प्ले किया है और ऐसा प्ले किया है कि इंटरवल से पहले ही लोगों ने उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि ये बंदा ऑस्कर का हकदार है। वैसे अपन लोग चिलन मॉर्फी को पहले भी जानते हैं पीकी ब्लाइंडर में, और कहीं ना कहीं तुम्हारे डीप डाउन में वो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब आगे बढ़ने से पहले इसकी कहानी के बारे में जान लेते हैं। तो ये है अपने रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनको 1940 में एटम बॉम्ब बनाने की इच्छा थी, कि कैसे उन्होंने एक स्टूडेंट होकर अपनी थ्योरीज अपने ख्यालात में डूबे रहते थे, कैसे उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने देश को छोड़ा और फिर वापस आकर क्वांटम मैकेनिक्स को लोगों के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बारे में लोग कभी सोचते भी नहीं थे। और यहीं पे उनको एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट दिया जाता है, फिर कैसे उन्होंने एटम बम को बनाया, कैसे उसका टेस्ट किया और कैसे लाखों लोगों की जाने गई। तो यहाँ से अपनी असली कहानी स्टार्ट होती है ओपनहाइमर की, सिस्टम से भी और खुद से भी। उनको पछतावा होता है कि उन्होंने इंसानियत को तबाह करने के लिए ये क्या कर दिया। फिर उनकी लीगल बैटल शुरू होती है जिसमें उनको कोर्ट में जाना पड़ता है और वहाँ पे साबित करना पड़ता है कि ना वो किसी पार्टी से जुड़े हैं और ना ही वो कोई रशियन सिपाही हैं। अब वो ये सारी बातें कैसे प्रूव करते हैं, इन सब को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा थिएटर। और खुद देख के बताओ कि ये मूवी मास्टरपीस है या नहीं, कमेंट बॉक्स खाली ही है। मूवी के अगर पॉजिटिव के बारे में बात करें तो स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग, डायलॉग, कहीं जगह पे आपको रोना आ जाएगा, आपके आंसू निकल जाएंगे। कहानी देखो इंस्पायरिंग है और थ्रिल ऐसा है कि आपकी एक मिनट की भी टेंशन इधर से उधर नहीं होगी, और अगर हुई तो तुम जानते हो ये नोलन साहब की मूवी है, बाद में समझ नहीं आएगी। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें तो भाई उनका तो लेवल ही अलग है, एकदम दिल को छू लेते हैं। चिलन मॉर्फी साहब की एक्टिंग के अलावा अगर हम बाकी कास्ट की बात करें तो उन्होंने भी भाई कमाल कर दिया है। एमिली ब्लंट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, अपने आयरन मैन भैया, क्या परफॉर्मेंस दिया है इसने। कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अपने आयरन मैन है। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मूवी के अंदर कोई भी सीजीआई इफेक्ट नहीं है। मूवी के अंदर जो भी एटम बम के ब्लास्ट वगैरह दिखाया गया है वो सब कुछ रियल है, और ऐसा मास्टरपीस काम सिर्फ नोलन भैया ही कर सकते हैं। इनको सीजीआई से नफरत है। बाकी एक इंसान के इमोशन, गिल्ट, मॉरल ड्रामा, सिस्टम से उसकी लड़ाई और इन सबको एक ब्रिलियंट तरीके से प्रेजेंट करना सिर्फ नोलन साहब का ही स्टाइल है, आपको देख के समझ आ जाएगा। इसके अलावा मूवी देख के तुम्हारा जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।